नमस्कार दर्शकों, ये है मेनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मेनस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। अस्पताल की दीवार गिरने से मजदूर की हुई मौत, बिल मांगने पर महिला चिकित्सक को छेड़ा गया। दो युवकों से चोरी के साथ दो पहिया वाहन जब्त। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। अस्पताल की दीवार गिरने से मजदूर की हुई मौत। नागपुर में धंतोरी थाना अंतर्गत एक अस्पताल में पैथोलॉजी लैब की दीवार गिरने से दीवार के नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई। मृतक मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के खैलाशचंद स्थित पांजरा गाँव का निवासी यशवंत लक्ष्मी चंद्र पराजय है। पुलिस के अनुसार यशवंत नागपुर के त्रिमूर्ति नगर चौक में रहकर मजदूरी करता था। 1 जून को दोपहर 12:15 के दरमियान आसपास वह धंतोली के नेल्सन अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में बाथरूम बनाने का काम कर रहा था। वह 4 इंच दीवार तोड़ते समय दीवार अचानक उसके सिर पर गिर गई, जिसके नीचे दबने से यशवंत बेहोश हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उपचार के दरमियान उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके सहयोगी गोदेलाल लठाऊ ने देवाऊ की शिकायत पर धंतोली पुलिस के असंक्रिय मृत्यु का मामला दर्ज किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिल मांगने गई चिकित्सक महिला को छेड़ा गया। नागपुर में छोटू भैया नेता कारण तुलसी के महिला चिकित्सक ने छेड़खानी करने, अगवा करने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला चिकित्सक की शिकायत के आधार पर सदर पुलिस ने करण तुली के खिलाफ छेड़छानी और धमकाने का मामला दर्ज किया है। इसी प्रकार से शहर के चिकित्सक की खलबली मची हुई है। पीड़ित 74 वर्षीय चिकित्सक और उनके पति को सदर में हॉस्पिटलाइज थे। उपचार के सिलसिले में कारण चिकित्सक दंपति ने अस्पताल आए थे। इसी वजह से महिला चिकित्सक अपनी पहचान बताते हुए 22 मई को कारण उपचार के लिए अस्पताल गई थी। अपराधी भी वही भर्ती हुआ था। वह 25 मई को बगैर बताए अस्पताल से चला गया था। उसने उपचार का बिल भी नहीं दिया था। इसका पता चलते ही महिला चिकित्सक के पति ने कारण को फोन किया। इससे 2-4 दिनों में भाई के माध्यम से उपचार के बिल की राशि भेजने का आश्वासन दिया गया। बिल की राशि भेजने की बजाय कारण महिला चिकित्सक को देर रात फोन करके परेशान करने लगा। महिला चिकित्सक की शिकायत पर अनुसार कारण ने बताया कि आपत्तिजनक बातें होती रहती थी। इसी के चलते हुए उनके ऊपर कई सारे मामले दर्ज किए। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। दो युवकों ने 7 दोपहिया वाहन किए जब्त। येरखेड़ा कामटी में नवीन कामटी पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर चोरी की 7 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। आरोपी में से नौशद उर्फ नरसोई रसी अहमद है, जो कि यशोधरा नगर का रहने वाला है। इमरान उर्फ चुहार है, जो असल अंसारी, दोनों शामिल है। नागपुर प्राप्त जानकारी के अनुसार विभक्त 27 अप्रैल को यशीन कमाल नामक व्यक्ति को 2 पहिया वाहन चोरी किया गया था। सीसीटीवी फुटेज की जाँच के आधार पर नवीन कामटी थाने के DB स्क्वाड ने 29 मई को नौशाद को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उसे 3 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया था। पूछताछ में नौशाद ने अपने साथी इमरान के बारे में जानकारी दी। इमरान पासपोली थाना क्षेत्र में चोरी के एक प्रकरण में जेल में बंद था। नवीन कामटी पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर उसे जेल की हिरासत में लिया गया। नौशाद और इमरान सदर नंदनवन यशोधरा नगर और नवीन कामटी थाना क्षेत्र से 2 पहिया वाहन चुराने की बात कबूली की। उसी तरीके से जानकारी के आधार पर 2 पहिया वाहन जब्त किए गए। उनकी कुल कीमत 2,30,000 रुपए बताई गई। कामटी विभाग के MPSC अनिल श्रीघासकर और नवीन कामटी पुलिस स्टेशन के थानेदार प्रमोद पोरे ने मार्गदर्शन में DP स्क्वाड्रन के विशाल मिश्रा, राहुल वाघमारे व उनके सहकारी ने यह कार्रवाई की। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला देश को ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं।